श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी साबरमती के संत को याद कर रहे हैं। रेडियो गूंज के हम विशेष आभारी हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी की इस जयंती के अवसर पर हमें स्टूडियो में आमंत्रित किया। इसके लिए हम डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। महात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा गांधी केवल एक नाम नहीं, महात्मा गांधी नाम है दर्शन का, महात्मा गांधी नाम है चिंतन का। महात्मा गांधी के जीवन, दर्शन और उनके चिंतन को समझने के लिए आज हम यहाँ स्टूडियो में एकत्रित हैं। उनके विचारों पर हम परिचर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ आमंत्रित हैं परिचर्चा में शामिल होने वाले हमारे परम विद्वान साहित्यकार डॉक्टर अवधेश तिवारी खाबू। आप वरिष्ठ साहित्यकार, व्याख्याता, नई दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। रेडियो भुज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। हमारे बीच दूसरी वार्ताकार बबीता पांडे जी, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उपस्थित हैं। आप द्वारका से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। रेडियो भुज पर आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच तीसरी वार्ताकार हैं विभा राज वैभे जी, आप द्वारका से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। रेडियो भुज पर आपका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारी एक और वार्ताकार हमारी साथ जुड़ी हैं, अलका मिश्रा, आप भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, नोएडा से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। रेडियो भुज के सुरे में आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वार्ता शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आज की यह वार्ता क्यों जरूरी है। कुछ वर्ष पूर्व तक हम महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते रहे हैं गांधी जयंती के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में, लेकिन हम सब भारतीयों के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि आज उनके जन्म दिवस को विश्व स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और महात्मा गांधी के जो योगदान की बात करें और उनके सिद्धांतों के आधार पर जिस प्रकार से ये अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है, सच में मेरे साथ साथ हर एक भारतीय का गर्व से सिर ऊंचा हो गया है, क्योंकि हम उसी जन्मभूमि में पैदा हुए हैं जहां से हमारे महात्मा गांधी हुए। तो दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं। और परिचर्चा में आज का जो हमारा विषय है, महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता, इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी को। और भावुक जी से मेरा एक प्रश्न है कि आजादी की प्राप्ति में अनेक नेताओं ने, यहाँ तक कि मैं कहूँ विद्यार्थियों ने, जनमानस ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया, उन सब के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है। गांधी जी का योगदान उन सब के योगदान से आप किस रूप में भिन्न और सार्थक देखते हैं? रेडियो भूज के सभी दर्शकों, श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय संतोष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज संचालन के लिए, और मैं इनके ही प्रश्नों से, इन्होंने जो मुझसे प्रश्न किया उसके उत्तर से ही अपनी बात शुरू करता हूँ कि प्राण हथेली पर लेकर कुर्बान हुए दीवानों का, और जिनको सत्ता की चाह नहीं ऐसे वीर जवानों का, और आजादी का श्रेय नहीं किसी व्यक्ति विशेष को जा सकता, यह प्रतिफल नहीं स्वार्थ त्याग लाखों भावुक बलिदानों का। आज जो हमें आजादी मिली है उसके लिए हम किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते, कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते। वास्तव में हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण बलिदान किए, तब जाकर के हम लोग जो है आज आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन गांधी जी के योगदान को हम किसी भी रूप में विस्मृत नहीं कर सकते। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि 50% जो भूमिका आजादी में रही वो गांधी जी की अकेले थी, बाकी 50% में पूरा देश था।
50% में पूरा देश था, क्योंकि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने देखा कि भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पर था, उसमें राष्ट्रीय भूमिका नहीं थी, ना ही जनमानस जुड़ा हुआ था। और किसी भी आंदोलन की सफलता जनमानस के जुड़ने से होता है। कोई एक अकेला व्यक्ति कितना भी आंदोलन करता रहे लेकिन वो बड़े स्तर पर उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है। वो कहावत भी कही गई है कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता है। उस समय बाल लाल और पाल तीन क्षेत्रीय नेता थे महाराष्ट्र से, बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय और बंगाल से बिपिन चंद पाल जी। ये लोग अपने अपने स्तर पर पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। कांग्रेस भी जो है पूरे चरमोत्कर्षपद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, कांग्रेस के सभी लीडर जुड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी के आने से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, पूरा जनमानस जुड़ा। और गांधी जी के साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वहां से आने के बाद जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब भी वो सूट पहनते थे, एक बैरिस्टर थे, उनको किसी भी रूप में जरूरत नहीं थी कि आम जनता से वो जुड़े, क्योंकि वो तो समृद्ध थे ही और उनकी अच्छी खासी इनकम भी थी, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति गरीबों के लिए संघर्ष करता है तो वो विशेष बात होती है। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता केवल गांधी जी के अलावा कि जो सूट से लगोटी में गया। बाकी सभी गरीब जो हैं जैसे ही अमीर बनते हैं वो लगोटी छोड़ करके सूट में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों का दर्द समझा और देशवासियों के साथ वो जुड़े, मन से जुड़े। आज की तारीख में किसी भी देश में आप चले जाइए, वहां पर भारत से अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो गांधी जी हैं। यहां तक कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी किसी विदेश की यात्रा करते हैं तो वहां पर भी वो गांधी जी के बारे में ही शुरुआत करते हैं। और कोई विदेशी हमारे देश में आता है तो वो भी गांधी जी की समाधि पर सबसे पहले जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी का योगदान हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गांधी जी का योगदान बहुत ज्यादा था। गांधी जी मन से जुड़े, शरीर से जुड़े और आम जनमानस को इस आंदोलन से जोड़ा। और गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि एक गाल पर अगर थप्पड़ पड़ जाए तो दूसरा गाल आगे कर दो। उन्होंने कहा है कि एक होता हठ धर्मिता, जब पुत्र जो है मतलब किसी भी बात के लिए जो है अपने पिता से अपनी जिद मनवाना चाहता है और उसे पता है कि वो पिता से लड़ नहीं सकता है, पिता जो कहेंगे उसको मानना ही होगा, उस स्थिति में वो केवल हठ धर्मिता द्वारा ही अपनी बात मनवा सकता है। यही बात यहां साबित हुई जब गांधी जी को पता चला कि हमारे देश के लोग युद्ध नहीं कर सकते, अंग्रेजों से युद्ध द्वारा नहीं जीता जा सकता है, तब उन्होंने अहिंसा की बात सुनी। और वहां उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी संघर्ष, कोई भी समस्या लड़ करके हल नहीं किया जा सकता, दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे देश आज भी अहिंसा को ही विशेष तौर पर मान रहे हैं और अहिंसा के द्वारा ही अपनी बात पूरी कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अमेरिका में काले और गोरों के बीच में जब युद्ध हुआ, जब वहां पर आंदोलन हुआ तो मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी के सिद्धांतों को ही अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के सिद्धांतों द्वारा ही आजादी पाई। तो अपनी बात को कहने का तरीका और अपनी बात को मनवाने का तरीका, ये गांधी जी से हम विशेष रूप में जान सकते हैं। और गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि हम सशक्त ना बने, मजबूत ना बने, मजबूत भी बने साथ में अहिंसा के रास्ते पर भी चलते रहे। तो मैं एक मुक्तक द्वारा अपनी बात समाप्त करता हूं कि दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है और उसी सर्फ से ये जग डरता जिसमें भरा गरल होता है, जिसमें भरा गरल और भावुक सशक्त निर्भीक चरण जब साहस से डग भरता है उससे ही थर्राते रिपुदल वही सदैव सफल होता है। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को हमें मानना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना अपनी मजबूती भी बरकरार रखनी है, अपने देश को सबल भी बनाना है। बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत सुंदर बाबू सर। सूट से लंगोटी तक सच में इतना बड़ा त्याग हर किसी के बस की बात नहीं है और यही वजह है कि हर कोई आपो नहीं रख सकता। देश को, जनमानस को आजादी की लड़ाई से जोड़ना, ये बापू ही थे जिन्होंने इतना बढ़िया सुंदर कार्य अपने दम पर किया और यही वजह है कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाते हैं।
विचारों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बबीता जी का स्वागत है पुनः। उनके सिद्धांत सत्य, अहिंसा और प्रेम का आज हमारे इस आधुनिकतावाद में, वर्तमान परिवेश में क्या उचित है आपकी दृष्टि में? बहुत बहुत आभार मैम। मैं आप सभी को, रेडियो बुज के दर्शकों को बहुत बहुत गांधी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज अदनिया का प्रश्न है जो मुझसे, उसका मैं उत्तर देती हूँ। दिनकर जी ने लिखा था कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना माटी का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये गांधी जी ऐसे हैं कि जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, वो जहां भी रहे अपने जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए ही सोचा। जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने भारतीयों की दुर्गति देखी, काले गोरे का जो भेद देखा, उससे उनका मन बहुत आहत हुआ। और उन्होंने देखा कि इस ढंग से जो अपमान हो रहा है भारतीयों का, जब वो भारत लौट के आए और उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, तो उनका मूल मंत्र केवल एक था, सत्य प्रेम अहिंसा, जिसको लेकर वो आगे बढ़े और हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज आधुनिक युग में कोई भी इस चीज से मतलब कट भी नहीं सकता है और पूरी तरह सहमत भी नहीं हो सकता है कि हम गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम को लेकर पूरी तरह से चल रहे हैं। कहीं भी प्रेम की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, तो कई ढंग के मतभेद हो जाते हैं विचारों में और कुछ मजहबी बातें बीच में आती हैं, जो हम, हमारा प्रेम एक नहीं हो पाता, हम मिल नहीं पाते हैं। जो एक जात पात का आजकल इतना ज्यादा चला हुआ है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब कहीं ना कहीं हमको एकजुट होने में तोड़ रहा है, हमको एकजुट नहीं होने दे रहा है। सत्यता की बात है कि आज नेताओं के ऊपर देखिए, राजनीति के ऊपर देखिए, गांधी जी जो कसम लेते थे वो अपने सत्य पे अडिग रहते थे, वो कभी भी हिलते नहीं थे। उनको जो करना है वो सत्य से ही जीतते, सारी लड़ाई उन्होंने सत्यता से जीता है। लेकिन आजकल के नेता सत्य की कसम लेते हैं, हमेशा सही राह चलने की कसम लेते हैं, लेकिन वो कसम लेने हर तक उनको कसम याद रहती है। जैसे वो अपने गद्दी पर बैठते हैं, वो सारी कसम वो भूल जाते हैं। तो सत्यता का सबसे बड़ा परिचायक अगर हम कह सकते हैं कि समाज के लिए नेता हो सकते हैं, हमारे देश के राजनीतिक नेता हो सकते हैं, जो एक सामने सबके साक्ष्य रखें कि हमने इसको पालन किया है। पूरे देश को जो चला रहे हैं, अगर वो सत्यता पे नहीं अडिग है तो समाज क्या सीखेगा उससे। और रही अहिंसा की बात, आजकल हम कोई भी नया नियम पालन होता है, कोई भी नया कानून पारित होता है, एक पक्ष होता है जो उसके सहमति में होता है, दूसरा पक्ष जो होता है उसके असहमति में होता है। और इस चीज को लेकर देश में हमेशा कहीं ना कहीं दंगा और फसाद होता रहता है। कोई भी नया नियम पारित हुआ, कोई भी नया कानून आया, हर चीज के लिए ये व्यवस्थाएं रहती हैं। गांधी जी का सिद्धांत रहा है, उन्होंने अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा केवल अहिंसा के बल पर, सत्य के बल पर, प्रेम के बल पर। अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो अगर हम कोई कानून के सहमति में नहीं हैं, हम उसका धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम मौन रह के अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए हम धरना प्रदर्शन करके उस कार्यक्रम को, उसको, नियम को बदलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ लोग मारपीट, बस आगजनी करना, देश की संपदा को बर्बाद करना, इस ढंग से अहिंसा का पालन करते हैं। तो आजकल जितना भी है, आपका जो प्रश्न है उससे मेरा यही विचार है कि एक पक्ष जो है इस चीज को फॉलो करता है, एक पक्ष नहीं करता है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर गांधी जी उस समय जब अंग्रेजों ने राज किया था, तब गांधी जी अपने तीन बातों से सफल रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर किया और भारत स्वतंत्र हुआ, तो आज हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाकर अपने देश को पहले जैसा बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो अभिव्यक्ति के नाम पर देश में आगजनी की घटनाएं करते हैं, भाई को भाई से लड़वा देते हैं, देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं,
गांधी जी को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब वो एक अपनी लकुटी के बल पर चलकर इतने बड़े विशाल देश को जोड़ सकते हैं। तो आज जब हम आजाद है, क्योंकि आज हम गुलाम भारत में नहीं है, तो ये है आसान हमारे लिए हो सकता है। और बहुत सुंदर आपने विचार रखे, और ये भी आपने जो पक्ष कहा कि जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रीयवाद के कारण जो हिंसा हो रही है, इसको हमें रोकना होगा। अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों को, उनकी सोच को, उनके चिंतन को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, शुक्रिया। और अगले प्रश्न के लिए हम चलते हैं विभा राज बैबी के पास। गांधी जी के जीवन को, जैसे कि अभी बात भी हुई थी कि भावुकसा ने कहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो कि जो सूट बूट में था और लंगोटी के हाथ। तो त्याग की वो प्रतिमूर्ति मैं कहूँ हमारे महात्मा गांधी जी, उनके जीवन को सादा जीवन उच्च विचार कहा जा सकता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं कि उनका जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और विचार उनके उन्नत थे? बहुत बहुत शुक्रिया संस्कृति जी, और रेडियो भूज के जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको सादर वंदन। और बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है और बहुत अच्छी परिचर्चा चल रही है। अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ मैं उस महान शख्सियत को उनके श्री चरणों में देना चाहती हूँ, क्योंकि हम उन्हें याद कर रहे हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म अपनाया उन्होंने और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया भारत को एक करने के लिए। शजर अखलात का हर सू लगाया गांधी तुमने तो, कि रास्ता अमन का सच्चा दिखाया गांधी तुमने तो, बिना भाले खड़क के भी तो जीती जाती है सौजन, अहिंसा का है मतलब क्या सिखाया गांधी तुमने। उसी के साथ चार पंक्तियां, क्योंकि जो सवाल है, सवाल का जवाब है ये कि नहीं मिलता है दुनिया में किसी को इस तरह दर्जा, नहीं मिलता है दुनिया में किसी को इस तरह दर्जा, जो पाया गांधी तुमने तो दिखाकर प्यार का रास्ता, पिता हो देश के यूं ही तो ना बोला गया तुमको, पिता हो देश के यूं ही तो ना बोला गया तुमको, कभी बापू महात्मा तो कभी मोहन को तुम क्या दे। बहुत शुक्रिया। और गांधी जी की बात हम कर रहे हैं, तो गांधी जी का जब जिक्र आता है जहन में एक छवि उमड़ती है, जो बिल्कुल एक हाथ में लाठी, लंगोट, आधी धोती पहनी हुई, आधी ओढ़ी हुई, यही जहन में हमारे हमेशा से बचपन से हमने वही पढ़ा लिखा सुना जिया उसको। और मेरी मम्मी तब की थी जब उन्होंने गांधी जी को देखा था, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और वाकई जैसा कि संप्रीति जी ने कहा कि बहुत सादा जीवन उनका रहा है, और जैसे कि भावुक जी ने शुरू में ही कहा कि सूट बूट से कोई लंगोट पर कभी नहीं आता, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े और अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा खाना खाए और अच्छे मकान में रहे। लेकिन चूंकि देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो बलिदान दिए, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ा, अपनी इच्छाओं को मारा और जनमानस से जुड़ने का जो उन्होंने कार्य किया वो अद्वितीय है। मुझे नहीं लगता कोई और गांधी पैदा हो सकता है पूरे विश्व में। और गांधी को इतना कुबत किसी ऐसे व्यक्ति में हो ही नहीं सकता जिसको लोगों को बांधना भी आता हो, जो अपनी जमीन जायदाद अपने कपड़े तक छोड़ दे देश के लिए, इतनी कुवत किसी के अंदर नहीं है। और मैं नहीं समझती कि गांधी जी के जैसा व्यक्तित्व कोई दूसरा होगा पृथ्वी पर। और जितना सादा जीवन उन्होंने जिया, बहुत ही कहते ना कि कम ख्वाहिशों में अपने आप को बड़ा बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये गांधी जी से सीखने की जरूरत है। क्योंकि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत अच्छा खा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन जब जिंदगी दूसरों की जिंदगी बदलने की बात आती है, उसको त्याग देना उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस देश की मिट्टी के लिए, उस देश के लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, गांधी के अलावा कोई और कर नहीं सकता। गांधी जी
हमारे दिल में, हमारे जहन में हमेशा है। और जैसा कि संस्कृति जी ने कहा, सबने कहा, सबके विचार यही है कि हमको अपने परिवार में भी गांधी जी को ऊंचा रख के उनके विचारों को, कोई व्यक्ति, देखिए गांधी जी का एक कहना ये भी था कि कोई भी जो अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से करो। तो हमें भी उसी तरीके के जो उनके विचार हैं उसको आगे लेकर जाना है। और सत्य अहिंसा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम कितना भी लड़ लें, कितनी भी हम ताकत इकट्ठा कर लें, कितना भी लड़ाई कर लें एक देश से दूसरे देश का, जो अभी परिवेश हमारा चल रहा है, अंतोगत्वा काम क्या होता है, शांति के रास्ते पे ही हम आते हैं। और जब लड़ाई चीन की लड़ाई हो रही है या जो पहले हुआ करती थी जो अब हो रही है, तो हम सफ़ेद कपड़ा ही दिखाते हैं शांति के लिए, क्योंकि हमको अमन ही चाहिए होता है। तो अमन गांधी के रास्ते में ही है। और मुझे लगता है कि गांधी जी से बेहतर ना तो किसी का सादा जीवन रहा होगा, ना उच्च विचार रहे होंगे, और ना गांधी कोई दूसरा रहता हो सकता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां गांधी जी जैसे व्यक्तित्व, विरले व्यक्तित्व पैदा हुए। और बिल्कुल आपने जो विभिन्न नामों से उनका संबोधन किया, बहुत ही सराहनीय है। और त्याग की प्रतिमूर्ति गांधी जी, हम सभी उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। और एक अच्छा संदेश विभा जी ने जो उनके विचारों के माध्यम से दिया कि ऐसा नहीं है कि आज समाज में बुराइयाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय समाज में बुराइयाँ नहीं थी। इन बुराइयों को हमें ख़त्म करना है, बुराइयों के विरोधी होना है, बुराई करने वाले के विरोधी नहीं होना है। तो घृणा पाप से करनी है, पापी से नहीं करनी। बहुत सुंदर, बहुत सराहनीय विचार विभा जी के। और अब हम रुक करते हैं अलका श्री मिश्रा की तरफ। अलका जी, गांधी जी ने भी राम राज्य का स्वप्न देखा और आज जबकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, हर तरफ तरक्की कर रहे हैं, आज के परिवेश में आप गांधी जी के सामाजिक दर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद संस्कृति जी और आदरणीय सर का और रेडियो भूज का इतने सुंदर आयोजन के लिए। सभी दर्शकों को गांधी जयंती की और हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और बहुत सुंदर प्रश्न उठाया आपने। पहले तो आप सभी लोगों के विचार मैंने सुने, इतने सुंदर विचार। और बाकी गांधी जी जैसे नेता के लिए हम लोग कुछ भी कहें वो शायद कम होगा। तो लेकिन विभा जी ने जैसे कहा कि गांधी जी को जब हम याद करते हैं तो एक 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 काया और उसमें चश्मा लगाए, धोती सूती पहने एक साधारण सा आदमी नजर आता है। कुछ पंक्तियां मैं पहले उनको अपनी सौंपती हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कि हाथ में थी लाठी और ओढ़ते थे सूती धोती, हाथ में थी लाठी और ओढ़ते थे सूती धोती, बापू हमें सादगी से जीना सिखा गए। बापू हमें सादगी से जीना सिखा गए, सत्य अहिंसा प्रेम सद्भाव और सेवा, सत्य अहिंसा प्रेम सद्भाव और सेवा, पाठ मानवीयता का सबको पढ़ा गए, पाठ मानवीयता का सबको पढ़ा गए। भेदभाव घोर काले ऊंच नीच का जो देखा, भेदभाव घोर काले ऊंच नीच का जो देखा, अहिंसा को शस्त्र बापू, अहिंसा को शस्त्र बापू अपना फिर बना गए। बिना लड़े युद्ध में पराजित किया घोरों को, बिना लड़े युद्ध में पराजित कर घोरों को, बापू हमें आजाद भारत दिला गए। और आपका प्रश्न, जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक दर्शन की बात करती हूँ, तो बापू का सामाजिक दर्शन बहुत ही विलक्षण था। आज से कितने साल पहले उन्होंने जो परिकल्पना की थी, जो सोचा था, देखिए वो सोचते थे स्वच्छता के बारे में। उनका सामाजिक दर्शन था कि हम अपने आसपास सफाई रखें। और हम एक उनका सामाजिक दर्शन था कि वो गाँव को उन्नत करना चाहते थे उनका, जो कि वाकई कहीं नहीं हो पाया। हम इसमें बहुत पिछड़ गए। अगर गांवों का समुचित विकास होता तो आज जो पलायन हो रहा है और शहरों में जो जनसंख्या बात बढ़ रहा है, शायद वो नहीं होता। और कहीं ना कहीं इसमें हम पीछे रह गए। और उनका सामाजिक दर्शन था कि पहले आप अपने को सुधारो,
फिर आप दूसरे को ज्ञान दो। एक मुझे उनका प्रसंग याद आता है कि कोई एक बार उनके घर में उनके यहाँ पूछने गया उनसे कि मैं गुड़ बहुत खाता हूँ, शुगर की बीमारी है, मुझे कैसे छोड़ूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आप 7 दिन बाद आइए। तो 7 दिन बाद वो पहुंचा तो गुरु उन्होंने गांधी जी ने उसको उपाय बताए। तो उसने पूछा कि बापू मुझे ये बताइए कि आपने 7 दिन बाद क्यों बुलाया, तो आप उस दिन बता सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि क्योंकि मैं स्वयं गुड़ का बहुत प्रेमी हूँ और मैंने 7 दिन में गुड़ छोड़ा है, इसलिए अब मैं आपको बुला रहा हूँ। बहुत बहुत सही बात। तो हमें पहले अपने आप को उन आदर्शों के लायक बनाना है, उन आदर्शों को आत्मसात करना है, उसके बाद हम दूसरों को कुछ ज्ञान दे सकते हैं। और अगर हम अपने आसपास ही सुधार कर लें तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अपने आप समाज हमारा सुधर जाएगा। तो और कहते हैं कि उनका सामाजिक दर्शन जो वाकई अनुकरणीय है, और उनका जो दर्शन वो एक नाम नहीं है बल्कि एक विचारधारा है, उसको हमें आत्मसात करने की जरूरत है। और हमारे देश में उनके बहुत सारे अनुयायी भी हैं, विरोधी भी हैं, हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि विश्व पटल पर अगर कोई एक ऐसा नेता है जो कि जिसको सभी अनुकरण करते हैं, जिसको सभी सीखना चाहते हैं, जिसकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं, वो सिर्फ एक गांधी है और कोई भी नहीं है मुझे लगता। और मुझे लगता कि आज की जो स्थितियां हैं, जो हर देश मतलब और हर जगह लड़ाई और ये सब चल रही है, तो इसका जो समापन है वो लड़ाई से नहीं हो सकता, शांति से ही हो सकता है, बातचीत से हो सकता है, और जैसे कि सहृदयता से हो सकता है, वो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। और गांधी जी ऊंच नीच का भेदभाव भी कितना मिटाना चाहते थे, हमेशा इसके लिए प्रयत्नशील रहे समाज में। और ये हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच या गोरा कला, उनके लिए उनका कहना था कि मानव, हम सबसे पहले एक मनुष्य हैं, उसके बाद हम कुछ भी हैं, हम जन्म से तो एक कुछ नहीं होते हैं, उसके बाद हमें ये सब मिलता है। तो निश्चय ही हमें उनकी जो ज्ञान है, उनकी सीख है, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और गांधी जी को हम सब हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे देश के जो वो राष्ट्रपिता हैं, बहुत सम्माननीय हैं, हम सब उनका आदर करते रहेंगे। और यही कहना चाहूंगी कि उनकी विचारधारा को, उनके ज्ञान को, उनकी सीख को हम अपने जीवन में उतारें, अपने आसपास अपने घर परिवार से शुरू करें, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि समाज में एक भारी बदलाव आ रहा है। बहुत सुंदर अलका जी, बापू हमें सादगी से जीना सिखा गए और 92 तक जो उन्होंने पाठ पढ़ाया, और सच में उनका जो सामाजिक दर्शन था वो सामान्य ही विलक्षण था। और आज आपने जो बात कही, पहल करने की आवश्यकता है कि हम पलायन को रोकें, जिसके लिए हमें गाँव में भी समुचित रूप से ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, ताकि गाँव का भी विकास हो और जो शहरों पे जो जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, इसको किसी सीमा तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। अंततः निष्कर्ष यही है कि गांधी जी की विचारधारा हम सबके लिए का आदर्श है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मेरे अपने निजी रूप में गांधी जी, बहुत सारे आप सभी के विचारों को सुना कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो किसी को भी समझाने से खुद समझना चाहते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। जहां उनको मुख्य अतिथि बुलाया जाता था, समय से पहले पहुंचना, और वहां पर जाकर झाड़ू लगा रहे हैं, और जब उन छात्रों को पता चला कि जो मुख्य अतिथि वो झाड़ू लगा रहे हैं, वो शर्म से पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा महात्मा जी आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने वही किया, मैं एक मनुष्य हूँ, भगवान ने हाथ पैर दी काम किया। तो देखिए ये हमें सिखाता है कि हमें अपने पद पर गुमान नहीं करना चाहिए। गांधी जी के बारे में एक और बात जो प्रसिद्ध है कि गांधी जी इंडिया केवल इतना ना उनका परिचय, आज हम कहीं भी पत्राचार करते हैं हमें पूरा पूरा पता लिखना पड़ता है, लेकिन जब हम आजाद भी नहीं हुए थे तब गांधी जी का एक पता होता था, महात्मा गांधी इंडिया। तो ऐसी शख्सियत छोटे बड़े की भेदभाव को भुलाने की सीख देती है, और वे स्वयं कार्य करने के भी पक्षधर थे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। उन्होंने नौकरों के लिए भी, क्योंकि ये भी बड़ी जरूरी है, आज जिस प्रकार से हम बातें सुनते हैं घरेलू हिंसा की बातें, उन्होंने कहा कि ये घरेलू नौकर नहीं होते, ये हमारे सहायक होते, हमारे सेवक होते। ये मेरे विचार हैं जो मैं चाहती हूँ कि आज उनके उन
दिवस पर, इस अहिंसा दिवस पर, गांधी जयंती पर, या मैं कहूँ राष्ट्रीय पर्व पर, उनके विचारों की बातों के साथ साथ हम ये दर्शाना चाहते हैं कि उनके जीवन के पर चर्चा करके हम अपने जीवन को कहाँ तक सुधार सकते हैं, हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने अपनी बात कही। और एक उन्होंने जो बात की, आपने देखा होगा चश्मे के अंदर भी बना होता था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो उन्होंने तो इतने समय पूर्व ही इस प्रकार के अभियान की घोषणा कर दी थी। तो सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि वो उनकी इस विचारधारा से, उनके आंदोलनों से जो सोच थी, जो देश के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, उस सोच को हम अपनी सोच का हिस्सा बनाएं और एक जिम्मेदार नागरिक बने और सच्चे अर्थों में राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि। आज की इस परिचर्चा में आए हुए सभी विद्वानों और विदुषियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ, और इतनी सफल वार्ता के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। डॉक्टर मुकेश कुमार गंभीर जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और हमें सादर निमंत्रण उन्होंने भेजा। और मैं अंततः चार पंक्तियों से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी। स्वागत। बापू अपने राष्ट्रपिता हैं, हम उनकी संतान हैं। बापू अपने राष्ट्रपिता हैं, हम उनकी संतान हैं। मेरे देश का हर एक बच्चा उनका करे गुणगान है। अंग्रेजों की के खिलाफत शांति दूत कहलाए, सत्य अहिंसा पे चल कर भी बने पुरुष महान हैं। सत्य अहिंसा पर बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो बुज के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। पुनः गांधी जयंती की, अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।